नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोमा क्रिस तारा कृष्ण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रोमा। जी आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात तो हमें कॉल कर सकते हैं बताए गए हुए टोल फ्री नंबर पर। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस रक्षाबंधन पर बहुत समय के बाद जो है आप जो है भद्रा योग नहीं देखेंगे। साथ ही यहाँ पर कौन सा योग बनेगा, सिंहासन योग, जो भाई और बहनों के लिए कितना रहेगा लाभकारी। और साथ ही यहाँ पर बात करें कि कैसे रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, क्योंकि कल जब हम आएंगे तो कुछ भाइयों को जल्दी होगी तो बहनें उनके कलाई पे राखी बांध चुकी होंगी। ये सारी चीजें बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। कल हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भाइयों को कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए और क्या खिलाना चाहिए और बहनों को क्या उपहार देना चाहिए। मगर आज हम मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं और बताएंगे खास उपाय कि रक्षाबंधन पर आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं राशियों के अनुसार आज का दिन आपका कैसा रहेगा। तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज लाभ का कोई सौदा हाथ में आने की खुशी मिलेगी। समय भी मौज मस्ती से भरा रहेगा। धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। छोटी व्यापारिक यात्रा से आज आपको लाभ भी मिलेगा। और गुड़ खाकर घर से निकलें, उसका सेवन करके घर से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका दिन बेहतर रहेगा। हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। आपके लिए परिवर्तन का समय चल रहा है। पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलने के बने हुए हैं योग। और साथ ही संघर्ष तो थोड़ा सा करना पड़ सकता है आज, लेकिन सफलता भी आपके कदम चूमेगी। करना क्या है, 8 नाग केसर के दाने शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो उसके ऊपर आपने गंगा जल जरूर चढ़ाना है। ये है आपका उपाय। अब हम बात करें मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का क्या कहता है दिन। ये कहता है आपके लिए समय में सुधार हो रहा है। छोटी छोटी खुशियां आपको अब धीरे धीरे प्राप्त होती रहेंगी। कोई बिगड़ा काम आपका बन सकता है। किसी सामूहिक समारोह में या पार्टी में भी जा सकते हैं। गणेश जी का पूजन और आराधना करना आज के दिन आपके लिए बेहतर हो जाता है। हम कर्क राशि वालों के लिए बात करना चाहेंगे। आपके लिए आज का दिन कह रहा है कि जो भी काम करें सोच और समझ कर करें। आपके शत्रु भी आज आप पर अपनी निगाह रखेंगे। अपने स्वास्थ्य पर आपको पूरा ध्यान देना है। लापरवाही तो बिल्कुल ना करें और रात को नींद में कमी रहेगी। कोई ना कोई चिंता आपकी बढ़ सकती है तो उससे बचे रहिए। मगर ठंडी खीर खाना आपके लिए आज का दिन बेहतर बना सकता है। पूर्णमासी है, खीर बनाइए अच्छा रहेगा। और सत्यनारायण के व्रत भी रखिए। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, साझेदारी के काम से आज आपको लाभ मिलेगा। अपने जीवन साथी के साथ भी आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज कुंवारे हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई जो कुंवारे लोग हैं वो सुन लीजिए, उनकी जो सगाई वगाई की बातें है ना वो शुरू हो सकती है कि कहीं ना कहीं किसी से बात चल रही हो तो चलो भाई सगाई कर देते हैं अच्छा रहेगा। पिंक रंग का इस्तेमाल करिएगा, गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हम कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। आज का दिन थोड़ा सा आलस भरा हो सकता है और आप कभी कभी बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्ज आदि से आपको दूर रहना चाहिए। आपको आज अपने दरवाजे पर एक दीप जलाना है, वो भी शाम को जलाना है, क्योंकि शाम से जब पूर्णमासी लग जाएगी आज जो है व्रत की और कथा सत्यनारायण कथा की जो है आज वो पूर्णमासी है। और कल जब हम पूर्णमासी के दिन यानी कि सुबह के समय जब हम देखेंगे भाइयों को राखी बांधेंगे तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा दिन होगा। चलिए बाकी राशियों की चर्चा करेंगे। हम अपने कॉलर से जुड़ जाते हैं और बात करते हैं। दीपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, जय महादेव। जय महादेव जी। जी बताइए मैडम। मैं दीपेंद्र सिंह सेंगर बात कर रहा हूँ, जालौन उत्तर प्रदेश से। जी तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं किसी कोई काम करता हूँ तो उसमें मुझे सफलता। मैं आपको रोकना चाहूँगी, सबसे पहले अपनी जन्म तिथि जन्म समय बताने के बाद सवाल बताइए। जन्म तिथि मेरी है 12 जून 1990। हाँ, और समय? समय मैडम मुझे मालूम नहीं है, 9 बजे के समथिंग है रात को। जी क्या पूछना चाहते हैं? मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। ये लगभग हमारे साथ में हो रहा है 5-6 साल से।
बिल्कुल, आपका लगन है धनु लगन है और राशि आपकी मकर है, नक्षत्र श्रवण है। और साथ ही जैसे कि मैं बात करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कभी भी ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने राशि के स्वामी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है चंद्रमा राहु और साथ में शनि ये हमारे दूसरे भाव में बैठे हैं। चंद्रमा की वजह से कभी कभी आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके लिए एक चीज बताना चाहेंगे, आप जो है गीले चावल हर शनिवार के दिन अपने ऊपर से उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करा करें या शिवलिंग पे चढ़ाया करें, इससे जो है हमारी मानसिक जो परेशानी है वो दूर होती है। अभी यहाँ पर जो दशा चल रही है वो आपकी राहु की चल रही है, मैंने बताया दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो राहु की महादशा में अंतरदशा की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य की चल रही है, आपने राहु का उपाय कर लें तो अच्छा रहेगा, गोमेद पहन लेते हैं और भी ज्यादा उत्तम रहेगा। 2021 तक का इस तरीके का योग बना हुआ है और राहु को शांत करने के लिए आपके लिए जो खास उपाय है वो यह है कि गणेश जी को दूध चढ़ाया करें, साथ ही बाजरा एक मुट्ठी जो है अपने ऊपर से उसाना सिर्फ एक मुट्ठी और जो है पक्षियों को डालना है तीन जगह, जिससे जो है आपका राहु शांत रहेगा। साथ ही जो है राहु के लिए एक उपाय है कि शाम को आपने लहसुन नहीं खाना, धुएं वाली जगह पर नहीं बैठना, स्मोक वगैरह जो करते हैं उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये हमारा राहु के प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए इन सब चीजों को दूर रखिए ताकि हमारे लिए राहु जो है शुभ रहे। जय महादेव। छाया हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो छाया जी, जय महादेव। लगता संपर्क नहीं पा रहा, हम अपनी अगली कॉलर से बात करते हैं। दीपेश जी स्वागत है। हाँ मैम, एक्चुअली मेरी जन्म तिथि है 13 जून 1985। और समय बताइए। दोपहर 1 बजे जी। क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली मैम मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहता था कि बहुत काफी ट्राई कर रहा हूँ काफी टाइम से, बट एक्चुअली मिल नहीं रही, तो उसकी वजह से मेरी राशि और उसके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, आपकी जो राशि है वो मेष राशि है, उसके स्वामी मंगल है और लगन आपका कन्या है। और साथ यहाँ पर अगर हम देखें कि आपके लगन आपका 07 डिग्री होके है और साथ ही यहाँ मंगल की बात करते हैं वो 8 डिग्री होके बैठा है। तो 8 डिग्री का जो मंगल होता है जो हमें जॉब वगैरह के लिए, मंगल कहाँ बैठा, दशम भाव में बैठा है। आप थोड़ा सा मंगल को थोड़ा मजबूत बना लीजिए, मंगल मजबूत बनाना है। साथ ही मंगल के साथ में बुध भी बैठे दशम भाव में, बुध के लिए आपने गणेश जी को धूप चढ़ाना और मंगल के लिए आपने मूंगा पहना है, त्रिकोण पहन लीजिए तो अच्छी बात है, वरना जो है लंबे में पहनिएगा, गोल नहीं पहनिएगा। और वो भी आपको कितना पहनना है, 5.25 रत्ती पहनना है और साथ ही हनुमान जी की पूजा आराधना करना है, जिससे जो है हमारा मंगल हमारे लिए प्रभावशाली होगा। और आप जब जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं 90% चांसेस आपके गवर्नमेंट जॉब के हैं, कहीं ना कहीं जो पीछे रह रहे हैं उसका कारण यहाँ आपका लगन कमजोर है, साथ ही जो है आपकी राशि के स्वामी थोड़े से उनको भी वीक है, जिसकी वजह से आप जो है जॉब वगैरह में जाते जाते जो है हाथ आपका पीछे हो जाता है। तो मंगल और बुध को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा और आने वाला समय आपकी जॉब लगा सकता है। जय महादेव। रेणु हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो, हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव, आपका नाम क्या है? संजय, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ मैम। जी संजय जी, सबसे पहले जन्म तिथि 11 जून 1967। और समय बताइए। शाम 4:20। जी क्या पूछना चाहते हैं? मैम मेरे पे कर्जा चढ़ रहा है, वैसे तो मैं आपने जो बताया उपाय सारे कर रहा हूँ, पर थोड़ा कर्जा चढ़ते जा रहा है अभी, मतलब जो भी काम होने से मतलब कर्जा लेना पड़ रहा है मुझे, बार बार कर्जा चढ़ते जा रहा है मुझे। जी बिल्कुल संजय जी, और साथ ही आज जो जितने भी लोग कॉल कर रहे हैं सब जून की पैदाइश हैं, और साथ ही यहाँ पर आपने बात किया कर्जे के लिए, तो मैं कर्जे के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कर्क राशि के हैं, चंद्रमा हमने आपकी कुंडली में यहाँ देख रहे हैं 5 डिग्री स्वयं ग्रह होके बैठा है, चंद्रमा कमजोर है। और साथ ही हमने आपको एक उपाय भी बताया था, एक तो जो है हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला आपको पहनाने के लिए बोला था शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, जिससे जो है, और साथ ही जो है ऋण मुक्तेश्वर भगवान शिव को आपने मसूर की दाल और चढ़ाना चालू कर दीजिए, कि जिससे जो है हमारा कर्जा जल्दी उतरे, मंगल आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानि पहुंचा रहा है। और साथ ही दशाओं की अगर हम बात करें तो शुक्र की महादशा चल रही है, आप गाय को जो है रोटी और चीनी चींटियों को डालना चालू कर दीजिए, इससे जो है हमारा शुक्र हमारे लिए बेहतर हो जाए और हमारे जो है आर्थिक जो कहीं ना कहीं कमी है वो दूर हो जाए, हमारे पास पैसा आएगा तभी तो कर्ज उतरेगा। तो इसीलिए पैसा आने के लिए आपने शुक्र का उपाय करना है, कर्जा उतारने के लिए मंगल का उपाय करना है, तो ये उपाय कर लीजिए आपके लिए बेहतर होगा। जय महादेव। पूजा हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, जय महादेव। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1980, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा? समय बताइए। 4 नवंबर 1980। नहीं, जन्म का समय 4:30 बजे सुबह।
आपने बात की है गवर्नमेंट जॉब के लिए कि लगेगी कि नहीं लगेगी, तो यहाँ पर एक चीज है कि आपने गवर्नमेंट जॉब की जिस तरीके से यहाँ देखा सूर्य नीचस्थ होकर बैठा है, तो ऐसे में यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में जो है बहुत कम चांसेस है आपके। आप जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिल सकती है, मगर गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर दिक्कत आ रही है क्योंकि तुला राशि में सूर्य का बैठना नीचस्थ का जो है प्रतीक माना जाता है। शुक्रवार के दिन आप जो है बरगद के पत्ते पे जो है अपने खीर रखना है, उसमें मिश्री डालकर आपने गाय को खिलाया करें और कपूर जो है दान करा करें। इससे क्या है, हमारा शुक्र की चीजों को जितना दान करें आपके लिए बेहतर होगा। अपने राशि के स्वामी को थोड़ा मजबूत बनाइए, यानी कि अपने बुध को जो है मजबूत बनाना है। कन्या राशि कन्या लगन की है, बुध को स्ट्रांग बनाइए, हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर होगा और गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए आपकी जॉब के लिए और ज्यादा लाभकारी हो जाएगा। 80% चांसेस है और ज्यादा प्रबल बन जाता है अगर ये उपाय करते हैं। मगर सूर्य की चीजों को यहाँ पर आपने गेहूं जो है वो भी दान करना रविवार के दिन, और साथ ही लाल रंग के वस्त्रों को ज्यादा ना पहने क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए कर लीजिए, जॉब आपकी लग जाएगी। जय महादेव। बाकी राशियों चर्चा करेंगे, कॉलर से ही बात करें, मगर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। भाई तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, कहता ये है कि आपके लिए कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन आपको आप अपने जो निजी हित के जो कामों को पहले करना है तो कर लीजिए। कहीं से कोई आपको शुभ समाचार भी मिलना मिल सकता है, हो सकता है कोई आपके लिए अच्छी बात हो। मिश्री और सौंफ बांटें और खाएं बेहतर रहेगा। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। आज मिले जुले फल का दिन है, हालांकि दिन की जो शुरुआत है वो शुभ, आपको शुभ समाचार भी मिलना मिल सकता है, हो सकता है कोई आपके लिए अच्छी बात हो। मिश्री और सौंफ बांटें और खाएं बेहतर रहेगा। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। आज मिले जुले फल का दिन है, हालांकि दिन की जो शुरुआत है वो शुभता बहुत है और कुछ बनते बनते काम मगर दोपहर तक आपके कहीं ऐसा हो सकता है कि बिगड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी की वजह से ही काम बिगड़ सकता है। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जाप करना बेहतर हो जाता है। हम धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बताना चाहेंगे, आज जो है आपके लिए शुभ और धनदायक है। आज के दिन आपको आय के नए रास्ते पर भी विचार और मंथन करना चाहिए। घर में आज मेहमानों की काफी चहल पहल बनी रहेगी, आलस ना करें, और साथ ही आज जो भगवान विष्णु को आज क्या करना है, आज भगवान विष्णु को पीताम्बरी चढ़ाएंगे, साथ ही लड्डू चढ़ाएंगे क्योंकि जाते जाते कहते हैं सावन में भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। हम बात करें मकर राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहते हैं। आज का दिन कहता है कि आज अच्छे स्वादिष्ट भोजन और वस्त्र का भी लाभ मिलेगा। कहीं दूर की यात्रा पर भी आज आप जा सकते हैं, परिवार में शुभ मांगलिक कार्य भी हो सकता है। किसी कन्या को मीठा खिलाना आपके लिए आज का दिन बेहतर बना सकता है। हम बात करेंगे अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन ये कहता है, आज मिला जुला दिन है, अच्छा काम और स्पष्ट काम ही अच्छा फल प्रदान करेगा। आय कम होने से चिंता हो सकती है, कोई आपके ऊपर आरोप लगाए ऐसा कोई काम ना करना। 108 की संख्या में लौंग लीजिए, उसकी माला बनाइए, हनुमान जी को पहना दीजिए तो आज का दिन आपके लिए बेहतर हो जाता है, रक्षा होगी। भाई मीन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, कहता यह है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, अच्छा लाभ प्रदान करवाने में सहायक भी रहेगा आज का दिन, और व्यापार के मामलों में आपको आज जो है अच्छी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। नए काम के लिए शुभ समय जो है आपका चल रहा है। आज जो क्या करना है, जब बात करें अच्छे काम की तो फलों का भोग लगाना भगवान शिव को अति उत्तम हो जाता है। ये था 12 राशियां उनके उपाय। चलिए हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव मैडम। हर हर महादेव जी। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1990। 25 दिसंबर 1990। और समय बताइए। मैडम सुबह का 7:40 जी। क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मैं एक अप्लाई कर रखा है ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या उसमें मेरा काम होगा? नहीं जी बिल्कुल, आप तो जो है सेंटा क्लॉज जी के साथ आए थे, बता देते हैं 25 दिसंबर का आपका बर्थ है। मगर यहाँ पर आपने गवर्नमेंट जॉब की बात की है, सूर्य आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, बुध भी आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो बुध और सूर्य दोनों पास के खड़े, मगर शुक्र की चीज कहीं ना कहीं आपके अड़चन डाल सकती है क्योंकि शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक चीज हम बताना चाहेंगे, एक तो जो अपने राशि के स्वामी यानी कि मीन राशि के हैं, थोड़ा सा गुरु को हमने प्रबल बनाना है क्योंकि लगन में भी आपकी धनु राशि संचार करिए। गुरु को प्रबल बनाने के बाद गवर्नमेंट जॉब की जो आपने बात की है, कहीं ना कहीं जो आपकी भाग्य में 90% है उसको थोड़ा सा आपने शुभ बनाना है। गुरु की पूजा आराधना के साथ साथ आप जो है सूर्य देव की पूजा आराधना करें जो आपकी जॉब
आपके योग और ज्यादा प्रबल बना देता है। बुक राशि मान लीजिए 6:15 रत्ती का, जो आपके लिए बेहतर होगा। दशा आपकी इस समय बुध की ही चल रही है, तो गणेश जी की पूजा आराधना के साथ साथ बहनों को आपने बुधवार के दिन या गाय को आपने चारा खिलाना, बहनों को हरे रंग की कोई चूड़ियां दे दें या वस्त्र दे दें या बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे हमारा बुध और ज्यादा प्रबल बन जाता है, आपकी जॉब लग जाएगी। जय महादेव। चलिए एक और कॉलर है। छाया जी स्वागत है आपका। हाँ जय महादेव। जय महादेव। हाँ मेरे को बेटे के लिए पूछना है, मेरा बेटे का नाम है संकेत जैन जी। तारीख बताइए, जन्म तिथि 12 जून 1987 और समय बताइए। समय रात के 8:18 जी। क्या पूछना चाहती हैं? और भिलाई का जन्म है उसका। भिलाई का? हाँ जी। क्या पूछना चाहती हैं? हाँ मेरे बेटे का सीए फाइनल का एक ग्रुप 4 साल से रुका हुआ, निकल नहीं पा रहा है वो, और उसका शादी भी, उसकी अभी तक शादी का कहीं आ रहे हैं योग, लेकिन नहीं बन पा रहा, कहीं बैठ नहीं रही शादी। एक सगाई होके टूट चुकी थी पिछले साल जी। ये जॉब और इसका गवर्नमेंट, उसका काम भी जॉब करना चाहिए इसको कि अपना काम करना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब भी है क्या जी? गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ये कहेंगे कि 80% चांसेस है, मगर खुद के काम के लिए तो अच्छा है, अपना खुद का कार्य करे तो अच्छा है। प्राइवेट जॉब के जरूर अच्छा है, यहाँ पे आसार दिखाई है। यहाँ देखते हैं कि धनु लगन का है, धनु राशि का है, तो गुरु हमारा प्रबल है, तो अपना खुद का कार्य करके खुद ही जो है हम अपने अंडर में खुद लोगों को जो है जॉब पे रख सकते हैं, इस तरीके का कुछ कार्य अपना कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इनका पहले विवाह हुआ, टूट गया। कारण क्या हुआ? गुरु बैठे हैं चौथे भाव में, जहाँ गुरु केंद्र में आया, एक यानी दूसरी शादी यानी आधी शादी हो जाए चाहे तो भी जो है योग जो है टूटता ही टूटता है। सातवें भाव के ये मांगलिक हैं, जिसकी वजह से इनके विवाह में अड़चन है। मंगल शांति का उपाय करवा लीजिए, इनके विवाह के योग और भी बने हुए हैं जो इनके लिए बेहतर हो जाता है, और अपना खुद का कार्य करें। जय महादेव। चलिए हेलो, दीपा हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी। जय महादेव। जय महादेव जी। जन्म तिथि? जन जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 3 अगस्त 1995 और समय बबताइए। समय 5:05 शाम को। जी क्या पूछना चाहती है? सर मेरा बेटा बीटेक कर रहा है इस टाइम, थर्ड ईयर। आप उनके बारे में बताएं कि गवर्नमेंट सर्विस है कि प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे वो? गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर? तो यहाँ पर जो है अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का तो है, गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट का, दोनों में ही इसको बोलिए अप्लाई करें, मगर सबसे ज्यादा जो प्रबल चांसेस है वो इसका प्राइवेट का दिखाई दे रहा है। और साथ ही इसके राशि के स्वामी की अगर हम बात करते हैं, शुक्र जो है इसका बहुत ज्यादा प्रभावशाली, यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम है, जिसकी वजह से जो है शुक्र का जो प्रभाव है वो हमें कहीं ना कहीं अड़चन डाल सकता है। तो इसके लिए ये बोलिएगा कभी भी यह दाढ़ी वगैरह ना रखे, और साथ ही स्वच्छ कपड़े पहनना इसके लिए अच्छा रहेगा। जो कपड़े जो पसीने वाले कपड़े वो इसके जो है कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। गुरु की माँ दशा चल रही है, गाय को इसके हाथ से रोटी जरूर खिलाया करें, हल्दी और थोड़ी सी गुड़ रख के, इससे जो है इसके जॉब के योग बन जाएंगे। इसका समय भी चल रहा है जॉब का, ये करके देखिए। हम शुभकामना आपके साथ है। जय महादेव। भाई आज का उपाय क्या कहता है? आज का उपाय ये कहता है कि जैसे कि मैंने बताया है कि कौन सा मुहूर्त, राखी पर सिंहासन गौरी योग और शुभ मुहूर्त ये रक्षाबंधन पे जो पड़ रहा है उससे क्या आपके लिए खास हो सकता है। इस पवित्र जो है पर्व पर यदि आप जो है रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं राखी धारण करते हैं, तो उस जातक के समस्त रोग और अशुभ कार्यों को नष्ट जो है कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो आपने रक्षा सूत्र अपनी बहन से बनवाया है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को नष्ट कर देता है, आपके लिए हमेशा जो है शुभकारी रहता है। तथा इसके धारण करने से मनुष्य जो है पूरे वर्ष आप जो है भगवान की कृपा से रक्षित रहता है, रक्षा होती है। अतः इस रक्षा सूत्र को अवश्य धारण करना चाहिए। इस दिन सिंहासन योग भाई को सफलता दिलाता है, भाई के लिए राज ये कहते हैं राजपाट का प्रतीक माना जाता है सिंहासन योग। वहीं जो है गौरी योग बहनों के जीवन में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा योग कब चालू होगा? सुबह 6 बजे से जो चालू होगा 7:30 बजे तक रहेगा, फिर उसके बाद चालू होगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक का रहेगा जो चर का रहेगा, फिर 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक का रहेगा लाभ का, चौघड़िया का मुहूर्त बता रहे हैं अच्छा वाला। दोपहर का रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे तक का जो अमृत का रहेगा, और 4:30 से 6 बजे तक का रहेगा शुभ का, फिर 6 से 7:30 तक जो शाम का रहेगा वो अमृत का रहेगा। इस तरीके का जो मुहूर्त का योग है मैंने आपको बता दिया है, उस समय में अपने भाइयों को यदि राखी बांधेंगे तो ये रक्षा सूत्र जो 3 साल के बाद ऐसा योग पढ़ना है आपके लिए बेहतर हो जाता है। उपाय क्या है? सुबह बहने स्नान करके सबसे पहले भगवान की पूजा आराधना करें, फिर एक थाल में रोली अक्षत कुमकुम रखकर उसमें जो है दीप
जलाकर उसमें बांधने वाली जो राखियों को आपने रखना है उसकी पूजा करनी है। राखी बांधने से पहले सर्वप्रथम एक राखी आपने श्री गणेश जी को और कृष्ण भगवान को सबसे पहले अर्पित कीजिए, उनके हाथों बांधिए। उसके बाद बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, भाइयों के सर पर कपड़ा जरूर रख दीजिएगा, करके बैठाते हुए उनके माथे पर कुमकुम रोली अक्षत आदि तिलक करके भाई की दाहिनी कलाई पे आपने राखी बांधनी है। अपने दाहिने हाथ से मिठाई भी खिलाना है, भाई का मुंह मीठा करना है और अपने भाई की निरोगता, दीर्घायु, सुख समृद्धि और उन्नति की कामना करते हुए राखी बांधने के बाद भाई को बहन मुंह मीठा जरूर करवाइए और अपनी बहन का भी जो है आपने मुंह मीठा कराना, सदा सदैव हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन भी अपनी बहन को देना है, उसे यथाशक्ति उपहार या धन दीजिए। और इस दिन बहनें अपनी भाइयों की रुचि का भोजन जरूर बनाएं, भाई अपनी बहनों के हाथ का भोजन ही खाएं और साथ ही बहनों को एक चीज और है, शुभ करने के लिए एक मीठा पान अपने भाई को जरूर खिला दीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं मीठा पान खिलाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। आज का टिप्स क्या कहता है, कहता यह है हाथ जोड़कर नमस्ते करने से घमंडी से, घमंडी भी इंसान जो होगा वो थोड़ा सा नरम पड़ जाता, हाथ जोड़ दीजिए और आंख बंद कर लीजिए वो अपने आप नरम पड़ जाएगा। तो ये था आज का उपाय, आज का टिप्स, कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में और राखी के इस मुहूर्त में जो है आपके लिए इस पर्व पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं कहते हुए मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। जय जय महादेव।